निवेदन ने दिवालिया निवेदन गणावता केंद्रीय मंत्री गुजरात गौरव यात्रा में मोडासा पहुंचेला केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नु निवेदन अपायु जेमा गोपाल इटालियाना निवेदन ने निंदनीय गणाव्यु। अपना गुजरात प्रदेश ना प्रमुख गोपाल इटालियानो वीडियो वायरल थयो हतो जेमा वायरल वीडियो में पीएम मोदी माटे अभद्र भाषा नो कर्यो हतो प्रयोग। यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस बार क्या है और कितनी सीट आप जीतने की उम्मीद लगा? देखो, सीट वगैरह के आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। गुजरात चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भरोसा पे भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की प्रदेश की जनता उनके ऊपर पार्टी और नेतृत्व पे पूरा किया है। हम तो आए हैं अपने पिछले दिनों में की गई कामों की रिपोर्ट देने के लिए, जानकारी देने के लिए, देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति और उसमें गुजरात की भूमिका, गुजरात के दायित्व, उसके जागरण के लिए गुजरात गौरव यात्रा की आयोजन किया गया है। सभी विधानसभाओं में जाके इस विषय को रखा जाएगा। अपूर्व जन समर्थन हमको मिल रहा है। सर, आज गोपाल इटालिया जी की दिल्ली के अंदर में डिटेन हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की थी जो काफी रोष था, तो इस बारे में क्या? देखो, मैं गुजराती भाषा को थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। मैंने अभी एक मित्र की टेलीफोन पे एक पागल व्यक्ति की भारत की एक मां के ऊपर टिप्पणी देखा। एक क्षण भूल जाइए, नरेंद्र मोदी जी को देश की प्रधानमंत्री है, 130 करोड़ जनता की वो प्रतिनिधि है। उनकी मां के बारे में जिनकी आयु 100 साल से ज्यादा है, उनके ऊपर अभद्र व्यवहार करना, टिप्पणी करना, ये प्रजातंत्र में इसको कितना भी कोठर शब्द में निंदा किया जाए कम होगा। दिवालिया मानसिकता ही इसकी काम कर सकता है, इसको मैं निंदा करता हूं।